हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पनीर की एक सब्ज़ी की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे झटपट से और बिल्कुल ढाबा स्टाइल में, और इसे हम थोड़ी ग्रेवी के साथ बनाएंगे। तो आप इसे पनीर की करी कह सकते हैं, पनीर करी या पनीर मसाला विद ग्रेवी कह सकते हैं। और ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है इसकी, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पनीर की सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को क्यूब्स में कट कर लेंगे, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया ऐसे। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, और इसे थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। ये जो मसाले हैं इनकी अच्छी सी कोटिंग पनीर के पीसेस पर आ जाए तब तक इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। इससे हमारे पनीर के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा, और हमने जो नमक ऐड किया है उससे ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सरसों के ऑयल को थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ता है, जिसमें से ये धुआं जब तक नहीं उठता तब तक इसे पकाना पड़ता है। तो ये देखिए धुआँ उठने लगा है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, और अब इसमें ऐड करेंगे हम ये पनीर के पीसेस जो हमने मैरिनेट किए थे, और इनको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इनका जो इसमें हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है वो अच्छी तरह से पक जाए और थोड़ा सा ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। बस हमारा ये पनीर बिल्कुल फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे इसे। अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह का पनीर आपका हो जाएगा, तो आप इसे निकाल लें। तो इसे निकाल लेते हैं, और जो बचा हुआ ऑयल है उसमें ही हम ग्रेवी बनाएंगे। तो इसमें से आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल भी निकाल सकते हैं, या चाहें तो आप इतने ही ऑयल में ग्रेवी बना सकते हैं। ये ढाबा स्टाइल हम बना रहे हैं तो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसमें। तो अभी मैं इसी ऑयल में 2 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये मैंने 4 से 5 लौंग ले ली हैं, 2 छोटी इलायची, और ये ऐड करके हम इन्हें थोड़ा सा इस तरह से सॉटे करेंगे। साथ ही में हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेंगे बारीक कट करके। आप बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रेट करके ली है ये प्याज। ग्रेट करने से ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, तो इसको आप थोड़ा सा कद्दूकश करके प्याज को लेंगे तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। आपको इस ग्रेवी को बनाने के लिए किसी मिक्सी की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ग्रेट करके बनाएं, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनेगी। अब हमने जो प्याज ऐड की है उसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेते हैं। आपकी ग्रेवी तभी अच्छी बनेगी जब आप इस प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे। इस प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है पहले, और अब इसमें ऐड करेंगे हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 चम्मच, और इसे भी साथ में मिक्स करके भूनेंगे। तो इससे हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी भूनेगा और साथ में हमारी प्याज भी भून जाएगी। तो इसको और थोड़ी देर भूनना है, 2 से 3 मिनट के लिए। तो इस तरह से चलाते हुए इसे भूनना है, और ये देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी भून चुका है, प्याज भी हमारी काफ़ी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये देखिए कितनी अच्छी प्याज हमारी भून के रेडी हुई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को, उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। टमाटर को कद्दूकश कर लिया है जिससे उसका छिलका भी निकल जाता है, और ये बहुत ही बारीक पेस्ट बन के हमारे पास तैयार होता है। तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है, और अब इस टमाटर के साथ हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। मसालों में ऐड कर रहे हैं 1/2 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और इसके साथ ही हम यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ जिससे इसका कलर अच्छा आएगा, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं इसमें। तो 1/2 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लिया। अब इन्हें मिक्स करेंगे।
और मिक्स करके हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। पहले हम इसे बिना पानी के भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे। तो पहले हम इसे बिना पानी के भूनते हैं जिसमें मसाले हमारे अच्छे से भून जाएंगे और हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से भून जाएंगे इसके अंदर। तो ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मसाला भून के बिल्कुल इस तरह का हो जाना चाहिए हमारा। बिल्कुल ये देखिए अलग अलग होने लगा है और इसने बिल्कुल सरफेस को छोड़ दिया है कढ़ाई के। अब इसमें पानी ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम फिर से इसे पकाएंगे जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ सी बनेंगी। थोड़ा सा और पानी डालते हैं और अब इसे ढक के पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इसके बाद देखिए 2 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनके रेडी होगी। ये हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन गई है। प्याज जो था इसके अंदर वो सॉफ्ट हो चुका है और हमारी ग्रेवी एकदम स्मूथ सी हो गई है। ये देखिए अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में। तो हम इसमें तकरीबन 1/2 चम्मच कसूरी मेथी हाथ पे रब करके ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1/2 चम्मच कसूरी मेथी ले ली और इसे इस तरह से ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसे पका लेंगे। तो बस हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है और थोड़ा सा पानी मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन 1/2 कप पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है और इस तरह की ग्रेवी मैं रख रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं या आप इसे थिक भी रख सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड है आप किस तरह की ग्रेवी रखना चाहते हैं। लेकिन ये ढाबा स्टाइल बन रहा है तो ढाबा स्टाइल पनीर में इसी तरह की ग्रेवी होती है और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता। तो ये ग्रेवी में बॉयल आ गया है। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो पनीर के क्यूब्स को हमने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है, इसे बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी में और इसे 1-2 बॉयल आने तक पका लेंगे। कवर करके इसको पका लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने 2 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लिया है और ये हमारा पनीर मसाला विद ग्रेवी बनके रेडी हो गया है। या आप इसे ग्रेवी वाला पनीर कह सकते हैं ढाबा स्टाइल। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हम लास्ट में थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसे मिक्स करेंगे, कवर करके रख देंगे 2 मिनट के लिए और उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए हमारा पनीर मसाला विद ग्रेवी बन के रेडी हो गया है बिल्कुल ढाबा स्टाइल। ये देखिए कितनी अच्छी करी बनी है इसकी। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अमेजिंग सी करी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये पनीर मसाला विद ग्रेवी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इस ग्रेवी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 4-5 दिन के लिए। आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं इस ग्रेवी को, आपका जब दिल करे आप इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा पनीर मसाला विद ग्रेवी बनके रेडी हो चुका है बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।